इस तिहाड़ प्रशासन से भेजे गए ईमेल में अरविंद केजरीवाल जी ने क्या खाया, क्या पिया, कितने बजे खाया, ये सारी डिटेल्स मेंशन है। ये जो अरविंद केजरीवाल जी की दवाइयां रोकने की साजिश है, ये कितनी बड़ी साजिश है, ये कई तथ्यों से पता चलता है। सबसे पहला तथ्य, ये एक ईमेल है जो ईडी ने कोर्ट में फाइल किया है। ये ईमेल तिहाड़ प्रशासन से ईडी को भेजा गया। इस तिहाड़ प्रशासन से भेजे गए ईमेल में अरविंद केजरीवाल जी ने क्या खाया, क्या पिया, कितने बजे खाया, ये सारी डिटेल्स मेंशन है। मैं ये जानना चाहती हूं कि किस लीगल प्रोविजन के तहत तिहाड़ प्रशासन ने ये सारी डिटेल्स ईडी को भेजी हैं। जब कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में होता है तो वो कोर्ट की कस्टडी में है। अगर तिहाड़ प्रशासन को कुछ भी भेजना है तो वो कोर्ट भेजे, वो ईडी को क्यों भेज रहे हैं? ईडी का एक ही काम होता है, मनी लॉन्डरिंग को इन्वेस्टिगेट करना। क्या अरविंद केजरीवाल की रोटी में कैश मिलाया हुआ था क्या आम आदमी पार्टी ने? क्या ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी ईडी? कि अरविंद केजरीवाल की चाय में स्वीटनर की जगह 45 करोड़ रुपए तो नहीं डाले हुए? क्या ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी ईडी? क्यों अरविंद केजरीवाल की खान पान की मेडिकल कंडीशंस की डिटेल ईडी को भेजी गई? ईडी ने किस तहत ये सारी मेडिकल डिटेल्स कोर्ट में दाखिल करी? इसलिए करी क्योंकि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक अनुषांगिक संगठन की तरह काम करता है। ये एजेंसी उनका एक राजनीतिक हथियार है और गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य की पूरी डिटेल्स ईडी को दी गई।